इस वीडियो में आज आप लोग को इस तरीके से बेडशीट डिजाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद आप लोग देख सकते हैं प्यारा भी बहुत लगता है। कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटा बड़ा भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बिना स्किप के पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग कैसे, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को हम बेडशीट डिजाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने तीन कलर का कपड़े लिया है, हमने व्हाइट लिया है, रेड लिया है, ग्रीन लिया है। कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटा बड़ा भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसका मेजरमेंट आप लोग को बता दें और कितना पीसेस हमने लिया है इसको भी आप लोग को बता दें। तो ये जो ग्रीन वाला हमारा पीसेस है ये हमने लिया है 5 इंच लंबाई और 5 इंच इस तरीके से चौड़ाई लिया है। तो ये हमने एक पीसेस लिया है और ये वाइट जो हमने लिया इस तरीके से हमने 4 पीसेस लिया है। तो ये 3 इंच लंबाई है, सॉरी चौड़ाई है, और ये 4.5 इंच इसकी लंबाई है। तो इसको साइड में करेंगे, ये भी हमने 4 पीसेस लिया है। जो रेड है हमने 4 पीसेस ये भी लिया है। तो 3 इंच इसका चौड़ाई में है और लंबाई में 4.5 इंच है, ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसको भी साइड में करेंगे। और ये जो हमने व्हाइट लिया है इस तरीके से 2.5 इंच इसका चौड़ाई है और 2.5 इंच इसका लंबाई है। तो ये हमने लिया है, इसको हमने 4 पीसेस लिया है इस तरीके से। तो इसको भी हमने साइड में करना है इस तरीके से। और ये हमने लिया है 4 पीसेस, 3 इंच लंबाई, 3 इंच चौड़ाई, रेड हमने 4 पीसेस लिया है। और ये हमने लिया है, देखिए 2.5 इंच लंबाई, 2.5 इंच चौड़ाई। तो हमने इस तरीके से 12 पीसेस लिया है। ये रेड हमने इस तरीके से देख सकते हैं, और ये हमने 4 पीसेस लिया है वाइट। तो 3 इंच लंबाई, 3 इंच चौड़ाई इस तरीके से है, देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये वाइट है, रेड है और वाइट है, इसको अच्छे तरीके से बराबर कर कर हम इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, जितना भी आप चाहे अपने हिसाब से ले सकते हैं। बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा बना सकते हैं। देखिए जैसे हमने इस तरीके से ये लिया है, ये हमारा 3 इंच है, आप इसको 4 इंच कर सकते हैं, 5 इंच कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको लेना है बड़ा या छोटा बनाना इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से इसको क्या करना है, जो हमने लिया था इसको इस तरीके से रखेंगे और इसको बीच से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा इसको इस तरीके से निशान लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और ये वाला जो हमारा पीसेस है इसको भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ से रखेंगे और अच्छे तरीके से इस तरीके से निशान लगाएंगे, ये देखिए। तो हमने अब इसको क्या करना है, ये लेना है और ये लेना है। तो दो हमने इसको इस तरीके से रेड लेना, तो देखिए हमने दो रेड लिया है और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर लिया। फिर हमें दो रेड लेना है और दोनों को आपस में मिलाते हुए अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हमें सिलाई कर लेना है इस तरीके से आराम आराम से। तो ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर भी सिलाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक वाइट लेना है और एक रेड लेना है, दोनों को आपस में मिलाते हुए अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर लेना है। बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद प्यारा भी बहुत लगता है। तो ये देखिए हमने रेड वाइट, दो हमने रेड वाइट लिया है, दो हमने रेड लिया है। तो ये देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से कटिंग कर देना है अच्छे तरीके से बराबर करते हुए एक एक कर कर। तो ये देखिए हमने कटिंग कर दिया इस तरीके से, ये देखिए, और इसको दोनों को आपस में मिलाते हुए अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हमने सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया, इसको दोनों को भी आपस में मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया, तो दो हमने कर कर बताया है, दो हमने पहले से कर लिया था। तो ये 4 पीसेस इस तरीके से हमारा बनकर आएगा, ये देखिए इस तरीके से हमने 4 तैयार किया है। अब हमें इसको क्या करना है, जो हमारा रेड वाला पीसेस है हमने जहाँ पर निशान लगाया था वहीं पर इस तरीके से रखेंगे, कॉर्नर से सिलाई करेंगे, निशान की साइड ख़त्म करेंगे। तो ये देखिए वाइट पर हम रेड रखेंगे और रेड पर हम वाइट रखेंगे। तो इसी तरीके से एक एक पीसेस में हम सिलाई करेंगे एक एक साइड पहले। तो ये देखिए दो में हमने कर दिया और दो हमें रेड लेना है। तो रेड पर हमने वाइट रखा है और वाइट पर हमने रेड रखा है। तो इसी तरीके से अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हमने सिलाई कर ली इस तरीके से। अब इस पर भी हमें रेड पर ये जो है वाइट रखना है और इसी तरीके से सिलाई कर लेना है। तो हमने एक साइड सिलाई कर लिया, अब इसको एक एक कर कर कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग भी कर दिया, अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड रखना है और ये देखिए इस तरीके से सिलाई कर देना है। तो जितने भी पीसेस हैं हमने जिस तरीके से पहले सिलाई किया था उसी तरीके से ये दूसरी साइड भी सेम ही करेंगे। कलर आप कोई भी ले सकते हैं, हमने वाइट रेड और ग्रीन लिया है, आप वाइट रेड ब्लैक ले सकते हैं, आप
इस तरीके से कलर जो भी आपको अच्छा लगे, रेड, येलो, और आपको जो भी कलर अच्छा लग गया आप ले सकते हैं इस तरीके से। और आप इसको बेबी बेड सीट, पिलो कवर, कुशन कवर, सिंगल डबल कुछ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों साइड सिलाई कर लिए इस तरीके से। अब इस तरह जो है उसको हम एक एक कर कर कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है पूरी को हम कटिंग करेंगे। तो देखिए जितना भी हमारा एक्स्ट्रा था हमने कटिंग कर दी इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा रेड है रेड की साइड रखना है और अच्छी तरीके से बराबर करते हुए सिलाई करना है। तो रेड को रेड ही में मिलाएंगे, वाइट में नहीं मिलाना है। देखिए इस तरीके से रखेंगे। और ये देखिए हमें हमारा इसको इस तरीके से रख कर और रेड को रेड में मिलाते हुए अच्छी तरीके से बराबर करते हुए सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से तैयार कर लिया। तो चार हमें करना है, तो हमने दो पहले से इस तरीके से भी कर लिया था और दो हमने आप लोगों को कर कर बता दिया है। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से चार पीसेस में आया है बनकर। अब हमें क्या करना है, ग्रीन लेना है और इसको इस तरीके से लेना है और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई करना है। तो हमें वाइट की साइड सिलाई करना है। ये देखिए अब दूसरी साइड हम लेंगे और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से हमने सिलाई कर लिया। तो एक पट्टी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए एक पट्टी हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसको हम इस तरीके से लेंगे और वाइट को वाइट में मिलाएंगे। ये देखिए और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई करेंगे। जब हम वाइट को वाइट में मिलाएंगे तभी हमारा जो डिज़ाइन है अच्छे तरीके से बनकर कंप्लीट होगा। और आई होप आप लोग को हमारे बताने का तरीका समझ में आ रहा होगा और हमारे सिलने का तरीका भी समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोग को हमारे बताने का तरीका समझ में ना आए तो देखकर भी समझ सकते हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप बनाकर बताया है। तो इस तरीके से हमारा दो पट्टी बनकर तैयार हो गया। ये देखिए इस तरीके से, और ये हमारा तीसरा पट्टी भी तैयार हो जाएगा। तो दोनों पट्टी में हमें सेम ही करना है, वाइट को वाइट में मिलाएंगे और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई करेंगे। तो हमने सिलाई कर लिया, ये देखिए इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम कटिंग कर देंगे। तो हमने कटिंग कर दिया और अब इसको दोनों को आपस में मिलाना है और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हमें सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से सिलाई कर लिया है। तो हमने इस तरीके से सिलाई करना है आराम आराम से, कि जो हमारा सिलाई है सिलाई पर ही रहे तभी हमारा जो डिज़ाइन बनेगा अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ बनकर कंप्लीट होगा। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको भी साइड अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई करना है। तो आप इसमें इस तरीके से सिलाई कर ले सकते हैं। और ये देखिए ये डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है पन्नी के बाद में, पूरा कंप्लीट हो जाता है तो और प्यारा लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई कर लेना है अच्छे तरीके से बराबर करते हुए। ये देखिए इस तरीके से, और ये हमें सिलाई कर लेना है इस साइड भी। तो हमने ये देखिए सिलाई कर लिया, जो एक्स्ट्रा है उसको अच्छे तरीके से बराबर कर कर हम कटिंग कर देंगे चारों साइड से। ये देखिए जो एक्स्ट्रा है, तो ये देखिए इस तरीके से हमने के कटिंग कर दिया, जो एक्स्ट्रा है कटिंग कर देंगे। आप इसमें चाहे तो पट्टी लगा सकते हैं, आप चाहे पट्टी ना लगाएं, अपने हिसाब से एक एक कर कर ज्वाइन कर दीजिए। बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा, आप लोग ज़रूर बना कर ट्राई करिएगा। तो इस तरीके से आप डबल बेड का बेड सीट बना सकते हैं। एक एक अगर आप पट्टी लगाना चाहिए तो आप 2 इंच 2.5 इंच की चौड़ाई रख सकते हैं, एक एक कर कर ज्वाइंट कर दीजिए। अगर आप पट्टी नहीं लगाना चाहते हैं तो इसी तरीके से एक एक कर कर ज्वाइंट कर दीजिए। आपको जितना भी बड़ा छोटा बनाना है आप बना सकते हैं, डोरमेट, पिलो कवर, कुशन कवर, सिंगल डबल कुछ भी बना सकते हैं। और कलर भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जब आपका बेड सीट अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से बना सकते हैं, पट्टी लगाइए और एक एक कर कर ज्वाइन कर दीजिए। जब पूरा कंप्लीट हो जाए चारों साइड आप उसमें बॉर्डर लगा दीजिए। तो इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, इस तरीके से बनकर कंप्लीट हुआ है। आई होप आप लोग को डिज़ाइन पसंद आया होगा और हमारे बताने का तरीका भी समझ में आया होगा। अगर आप लोग को डिज़ाइन पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और इस तरीके से आप लोग देख सकें नई नई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।